गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डफ टेल। तो डफ टेल जो है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि डफ टेल कारपेंट्री शॉप में, यानी कि लकड़ी का जो काम करते हैं उसके केस में डफ टेल सबसे बेस्ट रहता है। अब होता क्या है, ये दिखता कैसा है डफ टेल, तो मैं डफ टेल का डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, और डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके डिटेल ड्रॉइंग क्या है। और ये डफ टेल जब डायग्राम बनेगा, 3D डायग्राम बनेगा, आइसोमेट्रिक के केस में यही डायग्राम आपको शीट पर बनाना है, जो कि शीट नंबर 24 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3D डायग्राम को देखकर 2D डायग्राम बनाएंगे, जो कि असेंबली ड्राइंग होगा। असेंबली ड्राइंग के केस में हमें करना क्या होगा, फर्स्ट एंगल होगा या थर्ड एंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले ड्राइंग बना देता हूँ डफ टेल। ये आपके सामने जो डायग्राम बना है ये है डफ टेल। अब सिंपल वे में देखते हैं कि ये जो पार्ट है, यहाँ स्लॉट जो है, ये होता है डफ टेल, मतलब ये टेपर में कटिंग होती है इसकी। कैसी होती है, टेपर में, जैसे कि ऊपर का डायग्राम, जो ऊपर की लेंथ है, सॉरी लेंथ जो है वो है 50 mm, यानी कि 5 cm, और ऊपर से नीचे आते हुए का डिस्टेंस कितना हो गया, 40 mm, यानी कि 4 cm, यानी कि 1 cm का टेपर पॉइंट आ गया। उसका दूसरा ये जो वुडन जॉइंट है, ये वाला, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, मोटाई जो है ये है 30 mm, हाइट जो है 50 mm, और टोटल जो वुड की लेंथ है, किसकी, डक्ट टेल जॉइंट की टोटल लेंथ है वो है 150। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पर टोटल लेंथ है 50, इसकी ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली इसकी मोटाई 30 हो गई, जैसे कि यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, नीचे का पोर्शन 40, जैसे यहाँ पर 40 है, ऊपर 50 हो गया, तो ऊपर ये 50 है। अब ये वाला पॉइंट इसके अंदर जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके अंदर जाएगा, और जाने के बाद ये डायग्राम कैसा दिखाई देगा वो आपको अपने माइंड में बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसको देखकर क्या बनाना है, 2D व्यू बनाना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम 2D की तैयारी करते हैं। तो 2D के केस में होगा क्या, हम सबसे पहले नॉर्मली डायग्राम को देखते हैं, यहाँ से हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के केस में ये चीज पूरी 150 है और ये 50 है, तो टोटल सबसे बड़ी लेंथ तो यही हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट व्यू, अब डिपेंड करता है कौन से एंगल में है, फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। पिछली दो वीडियो हमारी फर्स्ट एंगल में बनी है, आज की वीडियो हम बनाएंगे थर्ड एंगल में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं थर्ड एंगल, थर्ड एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड एंगल के केस में यहाँ पर हम इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले टोटल लेंथ है 150, तो यहाँ पर हम 150 लेंगे, यह 150। याद रहे स्पेस छोड़ना है, स्पेस को ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये लेफ्ट साइड व्यू हो गया, और ऊपर हो गया टॉप व्यू। और याद रहे फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा तो हमें ये थोड़ा डायग्राम नीचे बनाना है, दूसरा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में बनेगी, राइट साइड में नहीं बनेगी। अब यहाँ पर 150 हमने ये ले लिया, सामने की हाइट जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है, कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन और ये वाला जो है तीन डॉट वाला, ये हाइडन हो जाएगा, क्योंकि सामने से हमें ये चीज दिखाई देगा सारा का सारा। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं 150 by 50 को, तो ये हो गया 150 और ये हो गया हमारा 50, बोथ साइड हमने ये बना लिया, एक बिल्कुल लाइट लाइन से ज्वाइन करवा दिया। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, उसके बाद 150 के हाफ पे आए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब ये सेंटर पॉइंट क्यों लिया, क्या कारण था सेंटर पॉइंट लेने का, सेंटर पॉइंट लेने का कारण ये है कि जो सेंटर है डफ टेल का, जो कि नाम है डफ टेल, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है 50 mm, 5 cm। अब उस सेंटर पॉइंट से हाफ इधर लेंगे, हाफ उधर लेंगे। अब जैसे ये है 25, इसका हाफ बनता है, तो 25 आ गया डॉट इधर, ये आ गया 25, यहाँ पर हमने लगा लिया, और 25 का डॉट हमने सेम यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, बोथ साइड सेम हो गया, टोटल कितना हो गया 50, हाफ हाफ आ गया। अब नीचे का पोर्शन कितना है 40, यानी कि 20 इधर 20 इधर, तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं 20 इधर और 20 इधर, और इसको हम क्या करवा लेते हैं, जॉइन करवा लेते हैं, ये हो गया जॉइन विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, ये हो गया जॉइन। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, चलो मैं ड्राफ्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ड्राफ्टर लेके आता हूँ, ड्राफ्टर से ही समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा ड्राफ्टर लग गया है, ड्राफ्टर की मदद से हम देखते हैं जो लेंथ है, जो स्केल है, वो हम प्रॉपर लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक 150 हो गया, तो 150 ये हो गया। मैं अभी आपको ये बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, लार्ज स्केल यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पर आपको कैसे बनाना है प्रॉपर नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले अब हमने ये ले लिया, यहाँ तक हमने ये तीनों चीज ले लिया, अब हम ये वाला पार्ट इसके अंदर डालेंगे। तो सिंपल सा ही देखिए, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी बन चुका है, रहता है ये 50, 50 का हाफ कितना हो गया, सेम
25, ये आ गया 25 का डॉट, ये आ गया 25 का डॉट, बोथ साइड हमने डॉट लगा लिया। टोटल लेंथ कितनी है 50, तो 50 ये आ चुकी है, ये 50 हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग कितना है 80, 80 mm, अब 80 mm हम यहां पर दे देते हैं। ये आ गया हमारा 80 इधर और ये आ गया 80 इधर, बोथ साइड हमने 80-80 ले लिया, यानी कि 80 mm ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया, प्रॉपर बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बेस पॉइंट से जॉइन कर पाते हैं, यहां से यहां ये आ गया जॉइन। अब एक चीज, जब हमने ये वाला पार्ट यहां पर इसके अंदर इंसर्ट किया, जोड़ा, बनाया, असेंबली की, क्या हमें ये वाली पीछे की लाइन दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये 40 वाली ये लाइन हमें नहीं दिखाई देगी। तो ये लाइन कैसी चली जाएगी, हमारी लाइन चली जाएगी ये हिडन में। अभी सेंटर लाइन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारी ये लाइन चली जाएगी हिडन में, ठीक है। और यहां पर हम ये हिडन लाइन बना देते हैं, हिडन लाइन का डिस्टेंस होगा 2 से 3 mm का डिस्टेंस होगा, ये हमारी हिडन लाइन आ गई। यहां पर हमारा डकटेल का फ्रंट व्यू रेडी होता है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अब इसकी जो डायमेंशन बनती है, जिसको हम डायमेंशन दिखा सकते हैं कि भैया ये डायमेंशन इतनी है, ये डायमेंशन इतनी है, वो हम चीज यहाँ पर शो कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले ये हमारा है 50, जो कि इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 50, तो यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं, ये आ गया 50। उसके ऊपर यहाँ पर यह आ गया 150, आ गया 150, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइट है ये है 50, नॉर्मली 50 है, तो हम इसको यहां पर ले लेते हैं इस साइड पे, ये आ गया 50 mm। उसके बाद नीचे का ये जो हाइट है ये है 80, तो यहां पर हम किसी के बिल्कुल पैरेलल दिखाएंगे साथ में ही, तो यहां पर ये आ गया एरोहेड प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाने के बाद, ये आ गया 80 mm। साथ में ये जो है लेंथ ये कितना है 50 है, ये शो कर देते हैं, ये आ गया हमारा 50, ये आ गया 50, ठीक है। यहां पर मतलब ऑलमोस्ट फ्रंट व्यू की जो डिटेल थी वो हमने यहां पर लिख दी है। अब यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या बनाया हमने, फ्रंट व्यू बनाया, क्या बनाया, फ्रंट व्यू। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लेफ्ट साइड, तो जाहिर सी बात है थर्ड एंगल में काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड इधर तो बनेगा नहीं, इधर बनेगा, तो हम सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन लेने का कारण क्या होता है, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने, डायग्राम हमारा सीधा बने, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। ये हमने लाइन बना दी, अब हम साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर मार्कर चेंज करते हैं, तो यहां पर हमने मार्कर चेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट व्यू रेडी हो गया, अब हमें साइड व्यू बनानी है। तो सबसे पहले साइड व्यू की हाइट टोटल कितनी है, 130, यानी कि 80+50, 80+50, जो भी हमारा टोटल जोड़ेंगे ऐड करने के बाद 130 आ रहा है, तो 130 की लेंथ है यहां, ये आ गया 130 टोटल। क्यों आया, क्योंकि अभी हमें ये चीज प्लस ये चीज बनानी है। ये है सबसे पहले बॉक्स 50 का, यानी कि 50/30 का, तो 50 हमने ये ले लिया और 30 हमने ये ले लिया, और सेम ये ले, और इसको यहां पर जॉइन करवा लेंगे टोटल। तो 130 को टोटल हाइट हो गई, ये 30 हो गया नॉर्मली, ये 50 हो गया, ये 80 हो गया, जैसे कि सामने डायमेंशन आ गया। अब हम इसको डाल कर देते हैं यहां, क्योंकि पहला बॉक्स ये है और पहले बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स ये बनेगा हमारा, ये वाला नॉर्मली। अब यहां तक तो हमें सब चीज समझ में आ गई कि भैया ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, इसके अंदर वुडन बनी हुई है तो वुडन पैटर्न बनाना है। पर अगर हम देखें क्या ये पोर्शन जो यहां पर 15 को डिनोट कर रहा है, ये 15 क्या है, इसके अंदर स्लोट बना हुआ है, कौन सा, डकटेल का स्लोट बना हुआ, क्या यहां से देखने पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उसको हमें कैसे बनाना है, हिडन में बनाना है। कितने पे टोटल कितना है, 30, यहां पर 30 है और यहां पर इसका सेंटर पॉइंट कितना है, 15, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पर हमें सेंटर पे क्या करना है, हिडन लाइन ले लेते हैं, ये आ गए हिडन लाइन, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में हमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, जैसा कि यहां पर ग्रीन मार्कर से वुड दिखाई गई है,
ये यहाँ पर वुडन पैटर्न बनाया गया है, सेम पैटर्न हम बना देते हैं ऊपर क्योंकि हम इस पोर्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गई वुड, ये हमने वुड को रिप्रेजेंट कर दिया, वुड को हमने जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे वाला पोर्शन सिंपल छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं बनाना। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन शो करनी है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो शो कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस है 30, तो ये हमने 30 शो कर दिया, प्लस ये कितना है टोटल। अब देखो यहाँ पर हमने लिया सिंगल सिंगल 80 फिर 50, पर एक साइड पे हमें क्या करना है टोटल दिखा देना है, क्योंकि टोटल असेंबली के अंदर टोटल डायमेंशन दिखाना कंपलसरी होता है, एक बार जरूर दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हम दिखा देंगे, तो ये हो गया 130। साथ ही साथ ये कौन सा डायग्राम बना है, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट साइड डायग्राम है तो लेफ्ट साइड का नाम लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड व्यू। तो ये डायग्राम हमारा यहाँ पर रेडी होता है। अब हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, और प्रोजेक्शन लाइन कहाँ जाएगी, हम कौन से एंगल में बना रहे हैं, थर्ड एंगल में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये आ गया ऊपर, ये आ गई टॉप व्यू की हमने जो लाइन पॉसिबल हो सकती थी वो ले ली। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने 50 दिखा दिया है, 40 रिप्रेजेंट नहीं किया है, यहाँ पर हम 40 को भी शो कर देते हैं डायग्राम के इन साइड में, ये हमने 40 यहाँ पर शो कर दिया, ये 40 हो गया। ये अगर इस क्वेश्चन से रहे, आपको प्रॉपर बनाना है, हालांकि मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बुक के आपके पेज नंबर 9 पे भी है, बुक के पेज नंबर 9 पे भी है, जो आपने सेकंड बुक इशू करवाई है उसके पेज नंबर 9 पे भी है। प्रॉब्लम नंबर जो है ये प्रॉब्लम नंबर 1.110 के नाम से है, डकटेल है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको वहाँ देख लेना अच्छे से, अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। कोशिश करना कि बुक से पहले ये चीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप बुक पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से तो आप क्या करोगे, कॉपी एंड पेस्ट ये कर दो, तो फिर भी एक बार कोशिश करना है समझने की। अब हम क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 150x30 हमें एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स बनाना होगा, तो चलिए हम सबसे पहले ये बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर 150 ये ले लिया, साथ ही साथ ये ले लिया 30, अब इधर का 30, ये ले लिया 30, एक लाइट लाइन से इसको हम क्या करवा लेंगे, ज्वाइन करवा लेंगे, एक बिल्कुल लाइट लाइन से हमने ज्वाइन करवा लिया, बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे 50। ऊपर से देखते वक्त हमें ये चीज बनानी है, हमें ये चीज बनानी है ऊपर से देखते वक्त, तो हमें ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यही पैटर्न बना लेते हैं डफटेल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पे आ जाते हैं, नीचे से रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये वाली, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से ये पॉइंट मिल गया, और टेपर में जैसे कि टेपर में बाहर की तरफ है, ये ले लिया, ये ले लिया, और 15 mm की डेप्थ के साथ हमने ये बना लिया, और ये लाइन को हमने अभी रेज कर दिया। तो अभी नॉर्मली देखा जाए तो हमारा फ्रंट व्यू का ये वाला पोर्शन रेडी हो गया, इसका टॉप व्यू रेडी, इसका टॉप व्यू रेडी। अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन पेंडिंग है, अब ये वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर कितना आएगा, फिलहाल तो पहले तो ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर जो अभी हमने रफ करी है, अब उसको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। यहाँ पर ये लाइन आ गई, इस लाइन की मदद से ये हमारा ये वाला डायग्राम इसके अंदर जा सकता है। प्लस एक चीज, क्या ये पोर्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हिडन लाइन बनानी है। कहाँ पर बनानी है, ये तो पोर्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस पोर्शन को वुडन पोर्शन से जॉइंट करवा देंगे, तो ये आ गया, रिमेनिंग ये वाला पोर्शन जो है पीछे आ जाएगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिडन लाइन को शो करेंगे, ये किस पार्ट को शो कर रहा है उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आ गया, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ये है, ये वाला पोर्शन है वो ये है, और ये वाला पोर्शन वो ये है। अब यहाँ पर ग्रीन मार्कर लेते हैं और जो हमारा वुडन है, वुडन पैटर्न वो हम बना देते हैं। ये आ गया वुडन पैटर्न, यहाँ पर हमारा कौन सा डायग्राम रेडी, हमारा डायग्राम टॉप व्यू रेडी। अब जो इसकी डायमेंशन बन सकती थी वो हम डायमेंशन शो कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 150 दे रखा है, दिखाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हो तो
150 यहाँ पर शो कर देना, तो इसका 150 शो कर देंगे हम प्रॉपर नीट एंड क्लीन, तो ये हो गया 150, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है, अब ये कितना डिस्टेंस था, सेम अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये चीज हमें दिखाई देती है, और ये डिस्टेंस कितना है 30 mm है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 mm हो गया, बाकी 50-40 सब चीज हमने नीचे शो कर रखा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, कमेंट करने पर जो आपको अगर टैक्स से हेल्प कर सकता हूँ तो वो मैं आपकी कर दूंगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीक में हम डिसाइड कर रहे हैं पुलिस से बात करके कि विद इन वीक, हफ्ते में एक दिन आपको बुलाकर सीट सबमिशन भी हो जाएगी, सीट चेक भी करवा लेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी क्लियर कर देंगे। साथ साथ आपको क्या बनाना है, इसका सिंबल बना देना, ठीक है, यहाँ पर थर्ड एंगल का सिंबल बना देना। थैंक यू स्टूडेंट।